दूसरी कंट्रीज को ग्लोबलाइज करने में और उनकी इकोनॉमी बूस्ट करने में एक कंट्री का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि लगभग सारे ही देश सिर्फ एक ही कंट्री पर डिपेंड थे और वो कंट्री थी इंडिया। अगर यूरोप की बात की जाए तो वहाँ ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी 15th सेंचुरी में, और ये शुरुआत की थी पोर्चुगीज ने, क्योंकि पोर्चुगीज उस समय सबसे आगे था ओशियन एक्सप्लोरेशन में, और इन दोनों ही देशों को जोड़ता था सिर्फ एकमात्र रास्ता, जो कि होकर गुजरता था इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर से, यानी कॉन्स्टेंटिनोपल से। लेकिन ये रास्ता ओटोमन एम्पायर ने बंद कर दिया था 1453 में रोमन्स को हराकर। यहूदी और ईसाइयों पर यहाँ पर आने से रोक लगा दी गई थी और इसकी वजह से ट्रेड लगभग रुक चुकी थी, और इससे यूरोपियंस गरीब होने लगे थे। और अब कैसे भी करके इंडिया तक पहुंचना था, और उसके लिए चाहिए था दूसरा रास्ता, जो कि जमीन से नामुमकिन था, और बिना इंडिया के पूरे यूरोपियंस का वजूद ही मिट जाता। और इसीलिए जरूरत पड़ी एक सी रूट ढूंढने की इंडिया तक पहुंचने की। 15 सेंचुरी से ही ये चल रहा था कि किसी तरह पानी के जरिए इंडिया के खजानों तक पहुंचा जाए, और इन खजानों में सबसे कीमती थे मसाले, क्योंकि मसाले और खाने पीने की चीजों की वजह से ही यूरोपियन किंगडम की इकोनॉमी चल रही थी। ऐसे में हर देश अपने अपने हिसाब से सी रूट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और इन यूरोपियंस देश में सबसे आगे था पोर्चुगीज। जियोग्राफिकल एडवांटेज होने की वजह से पोर्चुगीज सबसे आगे था ओशियन नेविगेशन में। 1487 में जॉन सेकंड ने बार्थोलोमे डियास को फंडिंग दी, और डायस अफ्रीका के किनारे किनारे चलते हुए अफ्रीका के सदर्न टिप पर पहुंच गया। डायस ने जमीन पर कदम रखा और उसे पता चला कि ये अफ्रीका का आखिरी कोना है, और इस जगह का उसने नाम रखा द केप ऑफ गुड होप, मतलब कि ये उम्मीद की किरण थी इंडिया तक पहुंचने की। लेकिन डायस के पास सही रिसोर्सेस और जानकारी नहीं होने की वजह से उसे वापस लौटना पड़ा, और वापस आकर डायस ने ये कंफर्म कर दिया कि मैं अगली बार इंडिया तक पहुंच जाऊंगा। इसी दौरान एक और एक्सप्लोरर था जो कि इटली से था, क्रिस्टोफर कोलंबस। उसे किंग जॉन सेकंड ने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि जाहिर है उन्हें गुड होप मिल गई थी और वो दो जगह अपना पैसा नहीं लगाना चाहते थे। और कोलंबस को बाद में क्वीन इजाबेला ऑफ स्पेन ने फंडिंग दी, और वो इंडिया को ढूंढने के चक्कर में अमेरिका पहुंच गया। और कई सालों तक सबको यही लगता रहा कि कोलंबस इंडिया के ईस्ट साइड में है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि वो इंडिया था ही नहीं, वो अमेरिका था। और बाकी जानना हो कि अमेरिका को कैसे ढूंढा गया तो ये वीडियो जरूर देखना। अब उस समय ये माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है, ये बात मैंने कोलंबस वाली वीडियो में भी बताई है। कोलंबस ने कहा मैं सिर्फ 6 हफ्तों में इंडिया में होऊंगा। उसने डिमांड की कुछ सैनिकों और मजदूरों की, लेकिन कोई भी उसके साथ जाना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये आत्महत्या करने जा रहा है, क्योंकि अर्थ तो फ्लैट है और कोलंबस जब सीधा जाएगा तो वो जमीन से नीचे गिर जाएगा। इवन इजाबेला खुद भी कंफ्यूज थी कि अर्थ चपटी है या गोल, और इस फ्लैट अर्थ की वजह से उनके पास जो मैप थे वो भी इसी आधार पर बने हुए थे, जिसमें टोलेमी का बनाया हुआ नक्शा सबसे मशहूर था। लेकिन अपनी यात्रा से वापस आने के बाद डायस बताता है कि ये नक्शा इतना भी एक्यूरेट नहीं था, तो डायस उस नक्शे में सुधार करता है। और जब वो सफर पर गया था तो उसे कई सारे तूफान और तेज हवाओं का सामना करना पड़ा था, इससे उसे अंदाजा हो गया था कि जहाज कितना मजबूत होना चाहिए। और राजा ने डायस को हुक्म दिया कि अब से सारे जहाज तुम ही बनवाओगे। और पोर्चुगीज का राजा 15 साल तक सिर्फ तैयारी ही कराता रहा, और इन्हें पता चलता है कि कोलंबस इंडिया पहुंच चुका है, जो कि स्पेन से था, और स्पेन पोर्चुगीज का एक राइवल था। और ये देखते हुए जॉन सेकंड ने डिसाइड किया कि अब तो जाना ही पड़ेगा, और कप्तान बनाया जाता है बार्थोलोमे डायस को। इतने में अचानक जॉन सेकंड की मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि एक सस्पिशियस बीमारी थी जिसकी वजह से वो मर गए थे, और उनकी जगह किंग बनते हैं मैनुअल द फर्स्ट। अब मैनुअल जब राजकुमार थे तब इन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी, पॉलिटिक्स और क्रिश्चियनिटी की शिक्षाएं दी जा रही थी। अब ये अकेले नहीं थे, महल के दूसरे ऊंचे घराने के बच्चे भी वहां इनके साथ ट्रेनिंग लेते थे। यहां मैनुअल का एक दोस्त बनता है जिसका नाम था वास्को डी गामा। और जब मैनुअल फर्स्ट पोर्चुगीज के राजा बनते हैं तो वो अपने कप्तान के तौर पर चुनते हैं वास्को डी गामा को। 8 जुलाई 1497 को पहले सफर पर निकलते हैं, 4 ships 170 लोग। इन 170 लोग में से 7 से 8 लोग एक्सपीरियंस थे, जिसमें वास्को डी गामा और उसका भाई पाउलो और एक बार्थोलोमे डायस। बाकी जो थे वो चोर, लुटेरे, डाकू, खूनी और मजदूर थे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं थी कि ये वापस आ भी सकेंगे या नहीं। इसीलिए राजा अपने कीमती सिपाहियों की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। जहाज निकलते हैं और डायस साथ में था, तो केप ऑफ गुड होप तक कोई मसला नहीं था। यहाँ पहुंचकर डायस अलग हो जाता है और वास्को उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है, और वो पहुंचता है मोजाम्बिक। यहाँ वो देखता है कि यहाँ तो मुस्लिम कंट्रोल है, तो वास्को और उसके साथ ही मुसलमान का भेज बना लेते हैं, क्योंकि शुरू से ही क्रिश्चियन और मुस्लिम्स की नहीं बनती है। वो भेज बनाकर राजा के पास जाते हैं, क्योंकि उनको जानना था कि इंडिया से ट्रेडिंग कैसे होती है। और सुल्तान से जब वो मिलते हैं तो उन्हें वो छोटे मोटे गिफ्ट देते हैं, लेकिन वहां के ऑफिशियल्स को इसकी भनक लग जाती है कि ये बाहर से आए हैं और ये मुस्लिम भी नहीं है, तो इन्हें मारपीट करके वहां से भगा दिया जाता है। इसके जवाब में गुस्सा आया वास्को अपने जहाज पर जाता है और वहां से तोप से हमला कर देता है शहर पर, और वहां से वो आगे चला जाता है। आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि हर जगह अरब ही अरब है, और वो नोटिस करता है कि यहाँ जितने भी जहाज हैं इनमें एक में भी कोई डिफेंस सिस्टम है ही नहीं, इनके पास कोई भी हथियार नहीं है और ना कोई सिपाही। और वो अपने जहाज वहां से थोड़ा आगे लगाता है समुद्र में और रुक जाता है। यहाँ से वास्को डी गामा पहली बार एक्सप्लोरर से एक लुटेरा बनकर सामने आता है, और वो आने वाली अरब शिप्स को लूटता है
जिसमें सिर्फ व्यापारी थे, वो सबको मार देता है और उनके जहाज डुबो देता है। ऐसे ही 7-8 जहाज लूटने के बाद वास्को डी गामा आगे बढ़ के पहुंचता है मालिंडी। अब यहाँ आगे वो देखता है कि दोनों ही मुंबासा और मालिंडी के राजा की आपस में लड़ाई है, तो वो चेन की सांस लेता है और मजे से घूमता है। और उसे यहाँ के व्यापारियों को देखकर ये समझ में आ गया था कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि इंडिया से ट्रेडिंग करता है। और मालिंडी में उसे पता चलता है एक बहुत ही बड़े पोर्ट के बारे में। यहाँ वो एक सेलर ढूंढता है जिसको जानकारी हो कालीकट जाने की। उन्हें एक आदमी मिलता है जिसकी पहचान बताना मुश्किल है। रिसोर्सेज के मुताबिक वो एक अरबी इब्न अल माजिद था, लेकिन कई हिस्टोरियंस उसे क्रिश्चियन या गुजराती बताते हैं, लेकिन वास्को डी गामा और उसकी टीम उसे क्रिश्चियन ही मान के चलती है। ये मालिंडी से निकलते हैं और मानसून हवाओं का इस्तेमाल करते हुए चलते रहते हैं। रास्ते में इन्हें कुछ शिप्स मिलती हैं जो कि अरब की थी और वो हज पर जा रहे थे, और कुछ व्यापारी शिप्स भी थी। अगेन निहत्ते लोग। पोर्चुगीज ने उन पर तोप से हमला किया, सबको मारा और उन्हें लूट लिया। और उससे आगे बढ़ के वो पहुंचते हैं मालाबार कोस्ट, कोझिकोड़े, जिसे वो कालीगढ़ कहते हैं। और यहाँ था किंगडम ऑफ ज़ोमरिन, राजा था मन्ना विक्रमा। अब जैसा कि आपको पता होगा कि पहला यूरोपियन था वास्को डी गामा जिसने इंडिया की धरती पर कदम रखा था, लेकिन असल में वो वास्को नहीं था। पहला कदम रखने वाला एक चोर था जो कि वास्को की शिप में था, और वास्को डी गामा ने उसे पहुंचाया था कि देखो कोई खतरा तो नहीं है। और उसके उतरने के बाद में दूसरे लोग और वास्को डी गामा भी उतरता है। तो देखा जाए तो पहला कदम रखने वाला एक चोर था यूरोपियंस की तरफ से, इसीलिए शायद यूरोपियंस ने हमेशा चोरी और डकैती ही की है। वास्को कालीकट में देखता है एक क्लीन ट्रेडिंग सिस्टम बिना किसी डिफेंस सिस्टम के। वहाँ के लोग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है कि मैं यहाँ मसाले और क्रिश्चियन की तलाश में आया हूँ, क्योंकि यूरोपियंस का ये भी मानना था कि क्रिश्चियनिटी हर जगह फैली हुई है और पूरी दुनिया में जूस, मुस्लिम, क्रिश्चियन और कुछ गिने चुने रिलीजन है। उन्हें ये पता ही नहीं था कि बौद्ध, सिख और हिंदू जैसे कोई रिलीजन भी हो सकते हैं। और वो जब यहाँ देखता है तो उसे सारा नया कल्चर दिखता है। ज़ोमरिन वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं और उन्हें दरबार में बुलाया जाता है, और ट्रेडिशन के मुताबिक वो राजा को तोहफे देता है जिसमें 4 लबादे, 6 टोपी, 12 सफेद पत्थर, 7 पीतल के बर्तन और 4 कोरल ब्रांचेस। और इन तोहफों को देखकर दरबार के सारे लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि ये तोहफे वहाँ के लोगों के लिए बेकार थे। हालांकि यूरोप में इनकी कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये चीजें इंडिया में आम लोग यूज करते थे। तो दरबार के लोग आपस में बात करते हैं कि ये क्या लाया है, कोई सोना या चांदी नहीं, सिर्फ बेकार की चीजें। वो कहते हैं कि अरब का एक छोटा सा व्यापारी भी सम्राट को सोने या चांदी से कम कोई तोहफा नहीं देता। और वास्को डी गामा और उसके साथी सोच में पड़ जाते हैं। इतने में जो अरब के व्यापारी थे वो सदियों से वहाँ ट्रेडिंग करते हुए आ रहे थे, उनकी राजा से बहुत अच्छी थी, और अरब व्यापारियों के वहाँ परमानेंट सेटलमेंट भी थे। और अरब से राजा के ऑफिशियल्स को बताते हैं कि ये कोई राजा का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, ये सिर्फ एक समुद्री लुटेरा है और इसने हमारी शिप्स लूटी हैं और हमारे कई लोगों को मारा है। लेकिन वास्को डी गामा इस चीज़ को खारिज करता है कि वो मैं नहीं था। और सम्राट उससे कहता है कि यहाँ अगर व्यापार करना है तो आपको सोने और चांदी के सिक्के देना पड़ेंगे एज एक्साइज ड्यूटी। और जो सोने के सिक्के राजा ने डिमांड किए थे एक्साइज ड्यूटी के लिए, वो कितने थे ये तो पता नहीं, लेकिन वो इतने ज्यादा थे कि वास्को डी गामा अपनी पूरी जिंदगी में इतने सिक्के अभी तक कमा ही नहीं पाया था। तो उसे लगा कि राजा जानबूझकर इतने सारे पैसे बता रहा है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि हम यहां से व्यापार करें। और वो बिगड़ जाता है और गुस्से में आ जाता है, लेकिन राजा उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो मेहमान था और इंडिया के कल्चर के हिसाब से मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। और राजा उसे बाहर छुड़वा देता है, लेकिन वहाँ के लोकल्स और अरब व्यापारी उसे नहीं छोड़ते। उसे जहाज तक भगा दिया जाता है, लेकिन जाते समय वो 16 मछुआरों और कुछ नायर्स को पकड़ के ले जाता है। और फिर से वो अपने जहाज में जाकर तोप से हमला कर देता है, जिससे कई सारे लोग मारे जाते हैं और पोर्ट तबाह हो जाता है। और जब वो वापस आता है पोर्चुगीज, तो रास्ते में उसके 116 लोग मारे जाते हैं विटामिन सी की कमी की वजह से, जिसमें वास्को डी गामा का भाई पाओलो डी गामा भी था। वापस आकर वो बताता है कि वहां मेरी लड़ाई हो गई है और अब कोई समझौता नहीं हो सकता, और इस बार जाऊंगा तो उन्हें हरा दूंगा। किंग मैनुएल वास्को डी गामा को रोक लेते हैं और शांति समझौते के लिए एक दूत पहुंचाते हैं कि जो भी एक्साइज ड्यूटी होगी हम दे देंगे, बदले में हमें वहां एक फैक्ट्री लगाने देना। सन 1500 में 150 आदमी पेड्रो अल्वारेस की कमांड में कालीकट पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें फिर से अरब व्यापारियों का सामना करना पड़ता है, और इस बार अरब से पूरी तैयारी में थे, क्योंकि तोप के गोलों से उनके कई सारे लोग मर गए थे। भयंकर लड़ाई होती है, पोर्चुगीज के 70 लोग मारे जाते हैं, और इसका इल्जाम पेड्रो ज़ोमरिन पर लगाता है कि इन्होंने ही सब कुछ करवाया है, और उसे बिना समझौता किए वापस लौटना पड़ता है। और फाइनली 1502 में वास्को एक बार फिर 15 जहाज, करीब 700 से 800 सैनिक और हथियारों के साथ कालीकट पहुंचता है, और वो डायरेक्ट ज़ोमरिन से जंग छेड़ देता है। और पोर्चुगीज की सेना के पास बेहतरीन हथियार होने की वजह से वो बड़ी ही आसानी से जीत जाते हैं। कई सारे अरब और लोकल इंडियंस को मारा जाता है या गुलाम बना लिया जाता है, और वास्को डी गामा को कालीकट का वाइसराय बना दिया जाता है। इसके बाद कई साल तक लूटपाट और मारकाट मचाने के बाद अब इतना सामान पोर्चुगीज पहुंच चुका था कि पोर्चुगीज एक अमीर कंट्री बन चुका था। वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी और पोर्चुगीज की वर्किंग क्लास भी अब अमीर होने लगी थी, उनको काम मिलने लगा था। उनके पास इतना पैसा हो गया था कि पोर्चुगीज यूरोप में दूसरे नंबर पर था, ऑफ कोर्स स्पेन के बाद। स्पेन पहले पे था बिकॉज़ ऑफ कोलंबस और अमेरिकास। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को 1510 में फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर कहा जाता है। इसने सुल्तान ऑफ बीजापुर को हरा दिया था और पोर्चुगीज का गोवा पर कब्जा हो गया था, और ये पूरा कोस्ट नाम हो गया था पोर्चुगीज एम्पायर के। सब कुछ सेटल होने के बाद, अमीर होने के बाद, पोर्चुगीज के किंग पर अब प्रेशर बनता है
कि अब तुम्हें क्रिश्चियनिटी भी फैलानी होगी। और अब बारी थी फोर्स कन्वर्जन कराने की। तो एक शिप जिसमें ढेर सारे पादरी थे, जिसका मकसद था इंडिया में क्रिश्चियनिटी फैलाना, वो निकलते हैं 1520 में पोर्चुगीज से। लेकिन रास्ते में तूफान आ जाता है और वो भटक जाते हैं। कुछ दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद उन्हें जमीन नजर आती है और वो खुश हो जाते हैं कि चलो इंडिया आ गया। लेकिन एक्चुअली में वो इंडिया में थे ही नहीं, क्योंकि ये था साउथ अमेरिका और ऐसे मिलता है ब्राजील। टेक्निकली हमारे भारत को ढूंढने के चक्कर में उनकी किस्मत खुल गई। कोलंबस ने नॉर्थ और पादरियों ने साउथ अमेरिका ढूंढ निकाला था, और इसीलिए अमेरिका के लोगों को रेड इंडियंस कहा जाता है और वेस्ट इंडीज भी इसी वजह से नाम पड़ा, इंडिया की वजह से। हालांकि अमेरिका के लोकल लोगों की किस्मत इनके आने के बाद खराब हो गई थी, पर यूरोपियंस अमीर हो गए थे। पोर्चुगीज की टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी, उनके पास हैंड कैनन, बॉम्ब और तोपें थी, जिससे वो इंडियंस को आराम से हरा देते थे। अब तक वो सारी लड़ाई जीते थे सिवाय एक के, वो भी किसी इंडियन ने नहीं हराई थी, वो हराई थी इजिप्शियन मुलमुक्स ने, क्योंकि वो तंग आ गए थे पोर्चुगीज से। उनको दिक्कत आ रही थी ट्रेडिंग में, उनकी शिप्स लूटी जा रही थी, उनके लोग मारे जा रहे थे, और उन्होंने ये लड़ाई पानी में छेड़ दी। और मुलमुक्स भी ओटोमन से गोला बारूद लेकर आए थे, और उन्होंने पोर्चुगीज को हरा दिया था और गुजरात तक आने से रोक दिया था। अब पोर्चुगीज की अमीरी देखकर यूरोप के और भी देश निकल गए इंडिया के लिए, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और डच। और फाइनली पोर्चुगीज की मोनोपोली खत्म हुई, और ये सब तो पीछे रह गए, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को इतना लूटा कि ब्रिटिश सबसे बड़ा सुपर पावर बन गया उस समय का। फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंडिया आजाद होता है, ब्रिटिश, फ्रेंच और डच चले जाते हैं, लेकिन पोर्चुगीज अभी भी गोवा में था और वो गोवा नहीं छोड़ रहा था। हालांकि इंडिया को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और पूरी तैयारी हो जाती है पोर्चुगीज से लड़ने की। पोर्चुगीज गोवा नहीं छोड़ते तो उन्हें जबरदस्ती मार के निकाला जाता, इसलिए उन्होंने 1961 में इंडियन आर्मी को देखते हुए ये डिक्लेयर किया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और गोवा आपका ही हिस्सा है। और फाइनली पूरी तरह से इंडिया 400 साल के बाद आजाद हो जाता है। और जो भी यूरोपियंस का गुणगान गाता दिखाई दे या ये समझता हो कि इंडिया छोटा है, वेस्ट है, तो उसके पहले एक थप्पड़ लगाना, फिर उसको ये वीडियो दिखाना, ताकि उसे पता चल सके कि इतने सालों की गुलामी और जुल्म के बाद भी हम सीना तान के खड़े हैं, और डेफिनेटली आज से 100 साल बाद हम एक डेवलप्ड कंट्री होंगे। और जो यूरोपियन कंट्रीज है, अगर उन्हें इंडिया नहीं मिलता और वो हमें लूट नहीं पाते, तो ये दावे के साथ किया जा सकता है कि वो आज भी भीख मांग रहे होते, और इन्हें भीख देने वाला भी सिर्फ एक ही देश होता, और वो होता हमारा इंडिया। रिमेंबर दिस।